शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। मैं डॉक्टर हूँ, साइंस को मानती हूँ, लेकिन आज जो मैंने देखा ना, ये रूप दिखा के आपने मुझ जैसी पापी को एक मौका दिया है सुधरने का। आप धन्य हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए माँ, मैं आपका आशीर्वाद पाके ही रहूंगी। पंडित जी, क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है क्या? नहीं नहीं, ये तो अद्भुत है, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। आंटी जी, आपने, आप में से किसी ने? नहीं नहीं, हमने भी नहीं देखा। जय हो श्रद्धा देवी की, जय जय श्रद्धा देवी की। बंद करो अपना ये नाटक। खबरदार अभय, मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने खड़ी है वो एक देवी है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं इस देवी के साक्षात दर्शन कर पा रही हूँ। बस रोशनी, उठो उठो, ऐसी बातें तुम कैसे कर सकती हो? ये सब कुछ मैंने नहीं किया है और मैं कोई देवी नहीं हूँ। भगवान के लिए रोशनी, तुम एक डॉक्टर हो। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन लेकिन आज जो मेरे सामने हुआ है ना, उसको मैं अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। आज हम सब ने देखा कि कैसे आपने इतने बड़े खंभे को अपने हाथों से रोक दिया। ये चमत्कार नहीं, ये आपके हाथों का आशीर्वाद है हम पर। आपने हम सब की जान बचा ली, जान बचा ली। बहुत हो गया है तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हारा ये बेहुदा मजाक एक पल के लिए भी नहीं सहूंगी। आपको बुरा लग गया क्या? मुझे गलती हो, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आपका गुस्सा पता नहीं मुझ पर क्या असर करेगा। नहीं, मुझे नर्क में नहीं जाना है, मुझे नर्क में नहीं जाना है। तुम्हारे नाटक को नर्क में मैं भेजता हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना जेल भेज दूंगा तुम्हें। नहीं अभय, मुझे देवी श्रद्धा से दूर मत करो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं देवी श्रद्धा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। श्रद्धा कोई देवी नहीं है, वो श्रद्धा अभय त्रिपाठी है, एक आम इंसान। अब दबाओ जाओ मेरे घर से। नहीं अभय, अभय मैं देवी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। मैं श्रद्धा देवी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या कर रही हो रोशनी? छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रही हो तुम? और बंद करो अपना ये नाटक। नाटक आखिर हमारा सफल हो ही गया दीदू, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अब दीदू कहे या देवी, मुझे देवी की पूजा करनी है, प्लीज प्लीज मुझे करने दीजिए। अब और कितना झूठ बोलोगे तुम रोशनी? जिसने आज तक भगवान में विश्वास नहीं किया वो आज भक्त बनने की बात कर रही है? हाँ, क्योंकि आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं अपनी आंखों से आपकी ये दिव्य शक्ति नहीं देखती तो मैं नहीं मानती। बस बहुत हो गया अब। नहीं अबे, अबे, अबे रुक जाओ अबे, अबे प्लीज, अबे मुझे मेरी देवी से दूर मत करो अबे प्लीज। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हो और ऐसा तमाशा कर रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। अबे अबे छोड़ो मुझे। यहाँ इतना तमाशा हो रहा है, कीर्ति गायब, समय ही लेके आता। महान बनने का बहुत शौक है ना आपको, अब आपकी महानता सिर्फ घर वाले नहीं पूरी दुनिया देखेगी।
कीर्ति देखेगी अब ये तमाशा और वही सबको जवाब देगी, तभी सबका दिमाग ठिकाने पर लगेगा। कीर्ति क्या हुआ, अब तुम यहां क्या कर रही हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हें अंदाजा भी है बाहर क्या हो रहा है? शुक्र है इन्हें कुछ पता नहीं चला। आप वही तुम देखने आए थे कि ये खम्भा गिरा कैसे? नहीं क्या हो गया समझ ही नहीं आया हमें तो। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा था कि एनीवेज तुम्हें पता है वो रोशनी पहले तो झूठ बोल के हमारे घर में घुसाई और अब श्रद्धा को देवी बनाने पे तुली। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही चलो सबको समझाओ और ये तमाशा बंद करवाओ। नहीं अबे 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 छोड़ो मुझे, अबे नहीं अबे छोड़ो, अबे अबे मुझ पर और पाप मत चढ़ाओ। अबे बंद करो अपना ये घटिया नाटक, वो तो भाग जाओ मेरे घर से। प्लीज मुझे देवी मां को छोड़ के नहीं जाना प्लीज। अबे अबे नहीं अबे मैं नहीं जाऊंगी, अबे छोड़ो। नहीं मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। रोशनी मैं तुम्हें तुम्हारी इस चाल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, गलती मेरी ही है, मुझे उसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। इसकी नौटंकी तो खत्म ही नहीं हो रही है, अब तो मैं पुलिस को बुला ही लूंगा। अगर श्रद्धा देवी कहेंगी कि मुझे जेल जाना चाहिए तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। ये ऊट पटांग हरकतें करके रोशनी तुम सिर्फ और सिर्फ सबकी नजरों में गिर ही रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस नाटक में कोई भरोसा करने वाला है? कोई नहीं भरोसा करेगा तुम पर, और तुम खुद से नजरें कैसे मिला पाओगी? हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा पाप। अब खुद से नजर मिलाने से पहले मैं खुद को सजा दूंगी। जय जय श्रद्धा देवी की, 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 मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही है? अरे इसमें कोई आत्मा आ गई है क्या? पता नहीं भाभी, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहे कि ये क्या चाह रही है, क्या कर रही है। अगर एक बार हम रोशनी की बात पे गौर करें कहीं ये सच तो नहीं। बस रोशनी ये ड्रामा अभी के अभी बंद करो रोशनी, अगर अभी के अभी तुमने अपना ये तमाशा खत्म नहीं किया ना तो तुम देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं आप तो बुरी हो ही नहीं सकती है, बुरी तो मैं हूँ, पापी तो मैं हूँ। माँ मुझे प्रायश्चित करने का मौका दे दीजिए, जिंदगी भर मैं आपकी भक्त बन के रहना चाहती हूँ। अपनी भक्ति ना
तुम अब जेल में दिखाना। श्रद्धा कोई देवी नहीं है। रोशनी सच कह रही है। कीर्ति, क्या कह रही है तू? और तू किसका साथ दे रही है? मैं तुम्हें यहाँ लेके आया था कि तुम बाकी सबके दिमाग में कुछ समझ भरो, लेकिन तुम तो खुद ही इसके नाटक को बढ़ावा दे रही हो। नाटक नहीं है ये वरुण जी। बुआ जी, आप हमेशा से लॉटरी खेलना चाहती थी ना, पर आपको डर लगता था क्या पता आप जीतेंगी या हारेंगी, है ना? पर आज जब दीदू ने लॉटरी पे अपना हाथ रखा तो देखिए आप जीत गई ना। चाची जी, आपको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ना कि आपकी पथरी ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, पर देखिए ना, ये रिपोर्ट तो बिल्कुल ही ठीक आई। अरे पर वो तो हो सकता है ना कि दीदू की वजह से। दीदू ने ये तो कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा और वही हुआ। माँ, ऐन वक्त पे अगर दीदू किचन में नहीं आती तो आपको बिजली का झटका लग जाता, और आप ही ने तो कहा था कि दीदू के रहते आपको कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि श्रद्धा हमेशा हम सबकी रक्षा करती आई है। आंटी, बहुत छोटी सी बात है, पर आज देखो दीदू ने तुम्हें वो सड़ा हुआ फल खाने से बचा लिया। अब हम में से किसी को थोड़ी पता था कि वो फल खराब है, अंदर से सड़ा हुआ है, इसमें कीड़े लगे हैं। हाँ, भाभी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही, भाभी ने ही मुझे बचाया। चाचा जी, आप ही बताइए, इससे पहले कभी भी दीदू ने आपको दुकान जाने से रोका नहीं ना? तो फिर कल ही क्यों रोका? अगर नहीं रोका होता दुकान की छत मुझ पर गिर जाती। अब बताइए, इन सब का हम लोग क्या समझे? नहीं कीर्ति, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हमने कभी नहीं देखा दीदू, और अगर इसे चमत्कार नहीं माने तो क्या माने? क्या कह रही है तू? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात को अभी के अभी यही खत्म करते हैं। दीदू, आप बहुत अच्छी हैं, हम जितना आपकी अच्छाई को जानते हैं, अब अपनी अच्छाई सबके सामने नहीं लाना चाहती। दीदू, तुम इन्हें दीदू बुलाकर इनका अपमान मत करो, ये तो हमारी देवी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें तो उसी दिन भरोसा हो गया था जिस दिन वो जहरीला नाक उसने आपको डसा नहीं, आपको देखकर वो वापस चला गया। उसी दिन पहली बार हमें आपका दैव्य रूप दिखा था। आप दीदू नहीं है, आप तो देवी है, देवी देवी है आप, देवी है आप। इस बार हम कीर्ति के बात से बिल्कुल सहमत हैं। अरे कानों से सुनी बात एक बार गलत हो सकती है, पर आंखों देखा नहीं। अरे हम सब इस बात की गवाह हैं।
हाँ ये सच है, कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि तुम अलग हो। आपके अंदर जो दैवीय शक्ति है उसे हम कभी समझ ही नहीं पाए। क्षमा कीजिए श्रद्धा देवी, मुझे बचपन में मम्मी और ताई जी ने बहुत सारी चमत्कार की कहानियां सुनाई हैं, पर आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आपको सच में प्रणाम। हार्दिक, हार्दिक नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? आज तक जिसके सर पर हम लोग हाथ रख कर आशीर्वाद देते आए, हमें पता ही नहीं था कि उसका आशीर्वाद हमारे सर पर है। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर में देवी के रूप में बहू आई। पगला गए के सारे घर के बड़े बूढ़े। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब है तुम अब भी कैसे सवाल उठा सकते हो? अब तो तुम्हारे अपने बड़े मान रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी नहीं, हमारी देवी माँ है। बस रोशनी, अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम। चलो निकलो यहाँ से। नहीं रोशनी, रोशनी निकलो यहाँ से, रोशनी। रोशनी, श्रद्धा को एक खरोंच भी आई तो? आपसे दूर होने से अच्छा है कि मैं आपके हाथों से मर जाऊं। ये लीजिए, आपके हाथों से मरूंगी तो शायद मेरे पाप भी धुल जाएंगे। ये लीजिए। छोड़ो रोशनी, मुझे मेरे पापों से मुक्त करी। बस निकलो यहां से, निकलो। पति जी, आप सब लोग, पूजा संपन्न हो गई है तो हम आप लोग प्लीज प्लीज यहां से चाहिए। आप सब हमसे बड़े, हमसे ज्यादा दुनिया देखी है आपने, तो फिर कैसे आप सब उस रोशनी की बातों में आ गए? हम वही कह रहे हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल से आ रही है। आप ही सब बताइए, ये इतना भारी भरकम खंबा, इनके पास हाथ दिखाने से कैसे हवा में रुक गया? पूजा शुरू होने से पहले श्रद्धा ने अपने हाथ आगे किए और सारे दिए अपने आप जल गए। हाँ, आप सबने देखा था ना, जब आरती के नन्ही खुशियों का आगमन में आंटी जी का हार खो गया था, तो कैसे हमारी देवी श्रद्धा ने बिना बैग को हाथ लगाए वो हार को निकाल दिया था। हाँ हाँ, ये सही कह रही है, ये कोई जादूगरी नहीं है, ये अलौकिक दिव्य शक्ति ही ऐसा कर सकती है। ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, क्या कह रहे हैं आप सब? ये रोशनी आप सबके सामने झूठ बोल रही है, उसके बातों में मत आइए। जय जय श्रद्धा देवी की, 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 जय।
जय जय श्रद्धा देवी की, जय जय श्रद्धा देवी की। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ रोशनी, अभी की अभी ये सब बंद करो, वरना यहाँ से तुम सीधा जेल जाओगी। अगर मैंने आपके साथ जो बुरा किया है, अगर उसकी सजा जेल जाना है, तो वो भी मुझे मंजूर है देवी श्रद्धा। जय जय श्रद्धा देवी की, जय जय श्रद्धा देवी की, जय जय श्रद्धा देवी की। क्या कर रहा है, बंद कर अपना फोन। ऐसे कैसे घर में घुसे चले आ रहे हैं आप लोग, चलिए निकलिए यहां से। निकलो यहां से। जय जय श्रद्धा देवी की, जय जय श्रद्धा देवी की। अरे रुक जाओ साहब, इस किस ढोंगी औरत को भगवान समझ रहे हैं आप लोग? अरे झूठ बोल रही है ये, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी देवी श्रद्धा के बारे में ये सब बोलने की? अरे बड़ी आई मुझ पर चढ़ने वाली, ये अगर इतनी चमत्कारी है तो बोलो इनको कि मेरा हाथ जो 10 साल से बेजान पड़ा है उसे ठीक कर दे। आपको चमत्कार देखना है ना? ठीक है, आई आओ। श्रद्धा देवी, अगर आप सच में देवी है तो हमारा ये हाथ ठीक कर दीजिए, हम बहुत गरीब परिवार से हैं और इस हाथ के कारण कुछ काम नहीं मिल रहा है हमें। देखिए ये सब झूठ है, आप प्लीज अपने घर जाइए। देख लो कैसे पूरी दुनिया के सामने इसकी महानता फैलाऊंगी, इंसान बनने के लायक नहीं रहेगी ये। तुम्हारे हाथ के एक इशारे वो इतना बड़ा खंभा पीछे लटका हुआ रह गया। अब कुछ भी हो जाए निकलवा के रहूंगी मैं उससे इस सवाल का जवाब। अब इस घर में होंगे मैं और मेरा अभय। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।